जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए कुछ पॉइंट रखना चाहता हूं। आज भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर जो सोशल मीडिया है, वो एक भूमिका या एक रोल प्ले करता है। भारत के हर जन जन को, हर नागरिक को ये मालूम हो कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी किस क्या उसकी वैलिडिटी है, राइट। उन सभी बिंदुओं को वो जान ले, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। सोशल मीडिया के अभी चार मेजर जो एरियाज हैं, उनको उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। नंबर वन फेसबुक, नंबर टू आपका व्हाट्सएप, नंबर थ्री ट्विटर एंड नंबर फोर यूट्यूब। आप देखिए कि सोशल मीडिया आप किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, राइट। आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप उस मीडिया के थ्रू, उस मीडियम के थ्रू आप शेयर करते हैं। या आप एक कॉमन पर्सन हैं, राइट, या आप किसी फील्ड, दूसरे स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं। देयर इज नो हार्म, कुछ भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप नॉलेज से रिलेटेड, जहाँ एजुकेशन है, राइट, किसी क्लास के कोर्सेज हैं, राइट दैट, या कोई मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है आप शेयर करते हैं, कोई बुरा नहीं है अगर इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है। लेकिन आज भारत और भारत देश की जो स्थिति है, उस स्थिति में हम लोगों का दायित्व है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर रीड करते हैं, राइट, या शेयर करते हैं, उसको एक बार समझ ले कि वो इंफॉर्मेशन हम भारत देश के या भारत देश की संप्रभुता पर कोई अफेक्ट तो नहीं डाल रही है। सोशल मीडिया एक्चुअली है क्या? सभी जितने भी व्यक्ति हैं, और आज इंफॉर्मेशन एज है, इंफॉर्मेशन एज में हर आदमी ये चाहता है कि उसके पास में अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उसको शेयर करे, और उस शेयर करने का जो सबसे शॉर्टकट मेथड है वो सोशल मीडिया है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपके पास में कुछ इस टाइप से, कुछ इस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो आपके सर्कल में भी नहीं है। तो मैं आपको वो पॉइंट बता दूं कि अगर आप इस तरह से फेसबुक के साथ में जुड़े हैं तो आप एक बार अपने फेसबुक फ्रेंड्स को जज कर लें कि वो कौन है, राइट। क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी चेंज करके आपके साथ में वो आदमी जुड़ा हुआ है, और आपकी फ्रेंड सर्कल को जज करने के बाद वो उन लोगों के साथ भी जुड़ जाता है, क्योंकि पहले ही वो किसी एक पर्सन के साथ जुड़ा था जिसके साथ आप जुड़े हुए थे, तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप वहां पर दिखाई पड़ती है। अगर कभी आप जज करते हैं तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप के बेस पे जज करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप के बेस पर आप किसी की भी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट ना करें, और फेसबुक फ्रेंड्स का जो नंबर है उस नंबर को इंक्रीज करने के किसी भी चक्कर में आप ना पड़े। अब मैं ये बता दूं आपको कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करने हैं फ्रेंड्स। उन्हीं फ्रेंड्स को आप या तो फ्रेंडशिप में लेके आ सकते हैं या अपनी उस लिस्ट में लेकर आ सकते हैं जहां आपको पता है कि ये आपके उस पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड है, चाहे जो भी है, कि आपको उसकी लोकेशन का आइडिया है, आपको ये पता है कि वो जॉब क्या करता है, राइट। तो ही आप उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट करें। किसी भी अननोन पर्सन की फ्रेंडशिप अगर आपने एक्सेप्ट की हुई है और केवल म्यूचुअल फ्रेंडशिप के बेस पर एक्सेप्ट की हुई है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उस फ्रेंड को अनफ्रेंड कर दीजिए इमिडिएटली। ये अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो आपके पास आइडेंटिटी है वो फेक है या नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये आप समझ लें कि अगर आपको आइडिया है कि ये पर्सन किस जगह जॉब करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ लोकेटेड है, एक्सेप्ट कीजिए। इफ यू डोंट नो, डोंट ट्राई टू एक्सेप्ट एनीवन, चाहे वो आपके किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, आप उसको अनफ्रेंड कर दीजिए इमिडिएटली। अब दूसरा क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये पर्सन जेन्युइन है, तो आप जस्ट उसका जो फेसबुक है उसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वहाँ ओनली जो है कुछ
चिल्ड्रन, उसके बच्चों की या उसकी फैमिली की ही फोटोग्राफ दिखाई पड़ते हैं, और रिपीटेड वो ही कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई पड़ते हैं या उसका कोई एक प्रोफाइल पिक्चर दिखाई पड़ती है, राइट। और वो समझ लीजिए कि आप थोड़ा डेंजर है, जहां सिंगल पर्सन और केवल कुछ एक या दो फोटोग्राफ्स बार बार फेसबुक पेज पर ही आपको मिलते हैं, इमीडिएटली अनफ्रेंड कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उस फ्रेंडशिप की, राइट। लेकिन आप देखते होंगे कि वो फ्रेंड आपको कमेंट करता होगा आपकी पोस्ट पर, कुछ भी है किसी भी तरीके से आप उसको इमीडिएटली अनफ्रेंड कर दीजिए, राइट। तो कोई नंबर का और कोई थॉट शेयरिंग की इम्पोर्टेंस की जरूरत अभी नहीं है। तो पहला पॉइंट तो आप ये करिए। दूसरे जो पॉइंट होगा उनका, वो या तो कुछ पर्टिकुलर जो कार्टून टाइप के हैं उस तरीका से, वो उस तरह से उन्होंने अपना कोई प्रोफाइल बनाया होगा या उस तरीके की वो पोस्ट लिखते हैं, कोई भी इंफॉर्मेटिव जो मैसेज है या कोई भी एकेडमिक या साइंटिफिक या लिटरेचर से रिलेटेड अगर उनकी पोस्ट में कोई पोस्ट आपको नहीं मिलती है, ऐसे फ्रेंड को आप इमीडिएटली अनफ्रेंड कर दीजिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, कुछ आपके फ्रेंड हो सकते हैं रिलेटेड टू दी पॉलिटिकल, तो आप एक बार जज कर लीजिए कि आप उस पॉलिटिकल पर्सन को जो शेयर करता है पॉलिटिकल न्यूज या पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, आप पर्सनली उसको पहचानते हैं, जानते हैं कहाँ से बिलोंग करता है, आप रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका पर्सनली आपकी लाइफ का पार्ट है। लेकिन किसी भी ऐसे पर्सन को जो केवल अपना फोटो और अपने फैमिली का, और वो भी कुछ फैमिली ओनली जो चिल्ड्रन है, 2 या 3 चिल्ड्रंस हैं, उन्हीं की फोटो बार बार रिपीट करता है, राइट। तो ऐसे फेसबुक फ्रेंड को आप इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए। सेकंड थिंग, यहाँ जो आपको पर्सन मिल रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके मिलते हैं, राइट। वो आपके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में बात करते हैं एंड देन आफ्टर वो कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हम लोगों की कंट्री के लिए यूजफुल नहीं है। एंड व्हाट हैपन कि आपका उस पर ट्रस्ट है और वो उस इंफॉर्मेशन को आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उसको फर्दर शेयर कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रही है और दूसरी के लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज करेगी, तो इस टाइम आप सभी पोस्ट को होल्ड रखिए। कोई भी जो भारत देश और भारत देश के अंदर किसी भी स्थिति परिस्थिति को डिस्क्राइब करती हो, उस इंफॉर्मेशन को आप होल्ड करिए। डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ पोस्ट, वीडियो, फोटो जो भारत देश या भारत देश की स्थिति को अभी रिफ्लेक्ट करती हो। तो किसी भी पोस्ट को आप, कोई अच्छी जो हम लोगों के महान कवि हुए हैं, जो वीर रस से भरी कविताएं हैं, आप उनको शेयर करिए, भारत देश का गुणगान करिए एवरी पोस्ट के अंदर। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज मत करिए, राइट। आप ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर भी वहां लोग आइडेंटिटी चेंज करके पोस्ट करते हैं या पोस्ट के कमेंट करते हैं या रीट्वीट करते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी पोस्ट अगर भारत देश के विरुद्ध है तो, या कुछ इस तरीके से फोटो के थ्रू आपको एक्साइट कर सकते हैं लोग, तो आप किसी भी, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं, व्हाट्सएप फ्रेंड लिस्ट के अंदर है, कोई भी फोटो जिस फोटो के थ्रू आप इमोशनली हर्ट हुए हैं या एंगरनेस बढ़ा है, दैट मींस समवन इज बेसिकली टारगेटिंग यू, राइट। आप होल्ड करिए और किसी भी पर्सन के साथ आप कोई भी इस टाइप की इंफॉर्मेशन शेयर मत करें जहां इमोशनली या आप आपके अंदर जो दूसरे टाइप का एंगरनेस आ जाए कि आप भारत सरकार या भारत सरकार के विरुद्ध सोचना स्टार्ट करें, राइट। तो एक रिक्वेस्ट मेरी इस वीडियो में बस इतना ही है कि किसी भी सोशल मीडिया को आप यूज करें, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो भारत देश या भारत देश की संप्रभुता को छेड़ती है, उस पोस्ट को या उस विचार को आप शेयर ना करें। ये जो वक्त है, ये वीर रस की कविताओं को शेयर करने का है, ये जो वक्त है, ये भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो भारत सरकार के सैनिक हैं, बेसिकली उनको उनका साहस बढ़ाने का वक्त है। आप किसी भी फोटो को शेयर मत करिए, आप किसी भी अपने विचार को इस वे में मत शेयर करिए कि वो इमोशनली भारत देश की जो संप्रभुता है, उसकी जो अखंडता है, उसको प्रभावित करें।
तो इन्हीं शब्दों के साथ में केवल एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उनको एक बार आप जज कर लें, चाहे वो आप किसी भी मीडिया के थ्रू है, और उनको आप अनफ्रेंड कर दीजिए। किसी भी फोटो, किसी भी वीडियो को शेयर ना करें जो आपके भारत देश की संप्रभुता को, उसकी अखंडता को प्रभावित करती हो। सोशल मीडिया का सोच समझकर प्रयोग करें, राइट? तो इतना ही है, और उम्मीद करते हैं कि जो भी ये टेररिज्म है, इसके अगेंस्ट भारत सरकार एक ठोस कदम उठा चुकी है, और इसको खत्म करके ही हम लोग सभी लोग अब जो है चैन की सांस लेंगे। नहीं तो जब तक ये टेररिज्म या जो उसके प्रमोटर हैं उनको हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तब तक हम ऐसा आराम से बैठने वाले नहीं है। आपके पास में अगर वीर रस की कविताएं हैं और वीर रस से जुड़ी कुछ गाथाएं हैं, आप उनको शेयर करिए। धन्यवाद।